लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। बाराबंकी के सिद्धौर कस्बा स्थित ग्रामीण बैंक की महिलाओं के साथ हुई लूट, पुलिस ने कुछ ही देर में पकड़ा आरोपी। कमलनाथ सरकार के 6 माह पूरे होने पर कांग्रेस मना रही जश्न। जश्न पर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा जश्न की नहीं काम करने की जरूरत है। कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री हर्ष यादव ने पूर्व भाजपा सरकार पर लगाए करोड़ों रुपए बर्बाद करने के आरोप, कहा इन्वेस्टर मीट के नाम पर किए करोड़ों रुपए बर्बाद। बाराबंकी के सिद्धौर कस्बा स्थित ग्रामीण बैंक की महिला बैंक मित्र से बैंक के सामने से मोबाइल और 1,100 रुपए की लूट कर भागे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से नकदी और मोबाइल दोनों बरामद कर लिए हैं। आरोपी राम कुमार पुत्र रामफेर रावत निवासी ग्राम तुनिहा मोटरसाइकिल पर था और एक महिला से पर्स छीन कर फरार हो गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के 6 माह पूरे होने पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है। वहीं कमलनाथ सरकार का समर्थन कर रहे बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कमलनाथ सरकार के 6 महीने पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी सरकार के कार्यकाल को रैंकिंग देना जल्दबाजी होगी, अभी जश्न मनाने का नहीं काम करने की जरूरत है। दरअसल प्रदेश की कमलनाथ सरकार को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के चलते महज 3 महीने का ही समय मिला काम करने का, जिसके आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आज जो हम मेरी आपसे चर्चा है या आज अपनी जो मुलाकात है, और शुद्ध सिर्फ पानी के ऊपर बात करनी है हम लोग को, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, इसमें सिर्फ सामाजिक काम के लिए आप लोग से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। जब मैं जनपद अध्यक्ष था तो एक आर्टिकल आया था, ये जो बेल्ट है अपना खरगोन बुरहानपुर और बुल्ढाना मलकापुर, इमारत है जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स है उसमें कंपलसरी वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्टर साहब और सीओ साहब कर रहे हैं अभी जिला योजना समिति की मीटिंग में कंपलसरी। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने पूर्व भाजपा सरकार पर इन्वेस्टर मीट के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद करने के आरोप लगाए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी भाजपा सरकार 15 साल में एक भी उद्योग नहीं लगा पाई। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री कमलनाथ पर उद्योग घरानों का विश्वास बढ़ा है, वह प्रदेश में उद्योग लगाकर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह बात रखी है कि राज्यों को उनका हक मिले, प्रधानमंत्री यदि इस पर अमल करेंगे तो प्रदेश में बदलाव होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष का काम तो सिर्फ हल्ला मचाने का है, आज उन्हें सरकार में रहते जो सुख सुविधाएं भोगी है याद आ रही है। भाजपा के नेता एसी रूम में बैठकर सरकार चलाते थे, ऐसी कार में बैठकर निकलते थे तो कार का शीशा तक नहीं खोलते थे, लेकिन कमलनाथ की सरकार काम करने वाली सरकार है। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 6 माह पूर्ण होने पर जिला पंचायत सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान स्थानीय विधायक रवि जोशी, झूमा सोलंकी, डॉक्टर गोविंद मुजालदे सहित जनप्रतिनिधि और पत्रकार मौजूद थे। आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य सरकार द्वारा विगत 6 माह में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं विधायकों की उपस्थिति में कर्ज माफी, कन्यादान योजना सहित युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष परिचर्चा की गई। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। गढ़वा प्रखंड के उच्च विद्यालय के मैदान परिसर में सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रत्याशी राजन मेहता मौजूद थे। पूर्व प्रत्याशी राजन मेहता ने उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन का अर्थ किसी जाति संप्रदाय से नहीं है, बल्कि बहुजन का शाब्दिक अर्थ बहुजन है। उन्होंने कहा कि पार्टी में मजबूती हो ताकि आगामी चुनाव में अच्छा परिणाम मिल सके। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।